मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमिर क्रेसर का, मेरा नाम है अमृता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी डिश वॉशर में सॉल्ट कैसे ऐड किया जाता है, कहाँ पे ऐड किया जाता है, कितना ऐड किया जाता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे ऐड करें, तो इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर आप सॉल्ट को ऐड करेंगे एक दो महीने तक आराम से आपका सॉल्ट चल जाएगा। और बहुत ही ये खाने वाला सॉल्ट हम नहीं यूज़ करते हैं, ये दूसरा सॉल्ट होता है, फॉर्चून का जो डिश वॉशर सॉल्ट अलग से होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपके पास डिश वॉशर है तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाएगा। सॉल्ट ऐड करने से आपके डिशवॉशर की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा सुधर जाती है, बढ़ जाती है। और अगर आपके घर पे हार्ड वाटर आता है तो इसको तो ज़रूर आपको करना ही है। अगर आपके घर पे सॉफ्ट पानी आता है, सॉफ्ट वाटर आता है, तो भी आप इसको ऐड करें क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक अलग ही शाइन मैंने नोटिस की है बर्तनों में आती है, अलग ही शाइन आती है उससे, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिशवॉशर में सॉल्ट कैसे ऐड करते हैं। और इसमें जो सॉल्ट आता है वो स्पेशल डिशवॉशर का ही सॉल्ट आता है, कोई इसमें टेबल सॉल्ट आप नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं आपको बताती हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको ऑन करके बताती हूँ। देखिए आप इंडिकेटर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ज़ूम करके आपको बता देती हूँ, रिफ़िल सॉल्ट आ रहा है। रिफ़िल सॉल्ट का मतलब है इसमें सॉल्ट ख़त्म हो गया, इसके लिए बोल रहा है। अगर रिफ़िल रिंसेड का आएगा तो इसका मतलब रिंसेड ख़त्म हो गया। अभी फ़िलहाल तो मेरा सॉल्ट ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको सॉल्ट का बताती हूँ कि कैसे ऐड करते हैं इसमें। तो देखिए ये है फॉर्चून का डिशवॉशर का सॉल्ट जो मैं यूज़ करती हूँ। इसका मैंने आपको रिव्यू भी दिया हुआ है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो वीडियोस में जाके। अगर आपको परचेज़ करना है, आपके पास डिशवॉशर है आपको परचेज़ करना है, तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो इसको। तो मैं यही वाला सॉल्ट यूज़ करूँगी इसमें अभी। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो सॉल्ट ऐड होता है नीचे वहाँ पे, मैं आपको निकाल के बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरिया है इसमें होता है सॉल्ट ऐड। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दो कटोरी, छोटी कटोरी सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ। तो उसमें आप देख सकते हैं पानी ऑलरेडी है, क्योंकि मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, पानी अपने आप आ जाता है। अगर आप नया वॉशिंग में नया अगर आप डिशवॉशर ले रहे हो तो उसमें पानी आपको ऐड करना पड़ेगा, और आपको इधर तक पानी ऐड करना है। तो अभी मैं आपको सॉल्ट को ऐड कैसे करते हैं वो बताती हूँ। तो मेरे इसमें ऑलरेडी पानी है, तो मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, डायरेक्टली सॉल्ट ऐड करूँगी। और ये दूसरा कटोरी, क्लोज कर देंगे इसको। अगर आपके घर पे हार्ड वाटर आता है तो आपको सॉल्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, इतने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको सॉल्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है। क्योंकि मेरे यहाँ पे सॉफ्ट वाटर आता है तो मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, दो कटोरी मैंने इसको डाला है। और भी आप डाल सकते हो, ये आराम से आपका एक महीना डेढ़ महीना चल जाएगा सॉल्ट। और सॉल्ट डालने के बाद भी अगर आपको इंडिकेटर बता रहा है कि सॉल्ट नहीं डाला हुआ है, तो आप थोड़ा सा चम्मच से या नाइफ़ वगैरह से आप चला लीजिए उसको, अंदर से हिला लीजिए, तो इसका इससे आपका जो इंडिकेटर है वो निकल जाएगा। तो चलिए इसको बंद करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉल्ट का इंडिकेटर हट गया है। तो मैंने स्पून से थोड़ा सा चला लिया था, मिक्स करने से थोड़ा सा सॉल्ट घुल जाएगा और इंडिकेटर भी आपका हट जाएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है तो सॉल्ट की क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।